भारतीय संस्कृति से विविधता दुनिया में कहीं नहीं। यहाँ बहुत से प्राचीन मंदिर हैं और इन मंदिरों में भगवान को खासकर हलवा, पूरी, खीर, मिठाई, नारियल, फल या बताशा मिश्री का ही भोग लगता है। लेकिन हाल ही में राजस्थान के सीकर में महाप्रसाद का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया गया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ प्रसिद्ध देवीपुरा बालाजी धाम में अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा 2700 किलो के रोट का महाभोग लगाया गया, जो अब तक सबसे बड़ा महाभोग है। सीकर स्थित देवीपुरा सिद्धपीठ बालाजी मंदिर में ये अनोखा नजारा देखने को मिला। यहाँ जोधपुर के संत रामदास महाराज पूनासर बाप जी के सानिध्य में ये अनूठा महाभोग तैयार किया गया। इस महाभोग को हनुमान जी को लगाने के बाद करीब 25,000 श्रद्धालुओं के बीच वितरित किया जा रहा है। यह महाभोग लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार किया गया। सिद्धपीठ देवीपुरा बालाजी धाम सीकर राजस्थान में पिछले 3 दिनों से 2700 किलो रोटे का भोग की जोरों शोरों से तैयारी की जा रही थी और आज बालाजी महाराज के 2700 किलो रोटा बनाकर प्रसाद दर्शकों में बांटा गया। इस रोटे की प्रेरणा मेरे मित्र निर्मल माटोलिया, जो बालाजी के भक्त हैं, उन्होंने पहले रामदास जी महाराज फलोदी वालों के ऐसा रोटा बनता देखा था, उन्होंने मेरे को बताया और उनकी बात सुन के मेरे मन में ये प्रेरणा उत्पन्न हुई कि अपन भी यहाँ बालाजी के ऐसे रोटे का प्रसाद बनाए। वहीं इस महाप्रसाद को देखने के लिए श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। इस दृश्य को देख रहे हजारों श्रद्धालुओं के जयकारों से पूरा पंडाल गुंजायमान हो गया। बालाजी के मंदिर का बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पे 1125 किलो का रोटा बनाया जा रहा है और यहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए हैं, सब बच्चे, बूढ़े, औरत, नौजवान, बाहर से लोग रहने वाले सब आ रहे हैं, सब अपनी अपनी मनोकामनाएं लेके आ रहे हैं और सब रोटे को देखने के लिए इतने उत्साहित हैं कि सुबह से लेके भीड़ लगी हुई है। जैसे रात को ही रोटा बनाया गया था उससे लेकर अब सुबह तक कैसे इसको निकाला गया है, कैसे इसको बनाया गया है, किसके प्रसाद की जो प्रक्रिया है वो कैसे पूरी की जा रही है, बाहर से इसको देने वाला भी लाया गया है और कैसे इसका भोग है जो बनाया जा रहा है, क्रेन लेके आए हैं, कितने लोगों देखो श्रद्धालुओं की इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस विशालकाय महाप्रसाद रोट की हर चीज बेहद खास है। दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रोट है। इसे बनाने की तैयारियां 2 महीने पहले से ही शुरू कर दी गई थी। रोट की गोलाई 11 फीट और मोटाई 2 फीट थी। रोट का कुल वजन 2700 किलोग्राम था। 1125 किलो आटा, 125 किलो सूजी, 400 लीटर दूध, 400 लीटर गाय का देसी घी, तो वहीं 1100 किलो ड्राई फ्रूट्स के मिश्रण से ये रोट बनाया गया। रोट को भट्टी पर सेकने के लिए स्पेशल तवा और बेलन भी बनवाया गया था। तवे का वजन 300 किलो तो बेलन का वजन करीब 250 किलो है। इसके साथ ड्राई फ्रूट्स मिक्स करने के लिए एक मिक्सर भी बनवाया गया। यही नहीं, इस 2700 किलोग्राम वजन के रोट को सेकने के लिए कारीगरों ने मंदिर परिसर में 12 फीट गोलाई की भट्टी तैयार की थी। इस भट्टी को बनाने में ही 10 दिन का समय लग गया था। रोट को क्रेन की मदद से सेकने के लिए भट्टी पर रखा गया था। इस विशेष रोट को सेकने के लिए 4 ट्रॉली गोबर के उपले मंगवाए गए थे। इसे बनाने में करीब 22 घंटे का समय लग गया। गौरतलब है कि यह मंदिर करीब 450 साल पुराना है, जिसे सीकर की राजा देवी सिंह ने बनवाया। मान्यता है कि एक राहगीर बालाजी की इस बड़ी मूर्ति को उसी रास्ते से किसी जगह लेकर जा रहे थे। इस दौरान वह रात्रि विश्राम के लिए यहाँ रुके। उसके बाद सुबह जब वह मूर्ति को लेकर रवाना हुए तो मूर्ति यहाँ से नहीं हिले। इसके बाद ठाकुर देवी सिंह ने अपने नाम पर यहाँ देवीपुरा गांव बसाया और बालाजी धाम का निर्माण करवाया। मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की हर इच्छा पूरी होती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये रोचक और खास खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।